हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मौर्य और आप लोगों को मैं आज सिखाऊंगा कि किसी भी पिक्चर्स का डायमेंशन या साइज कैसे चेंज करते हैं या उसे रिसाइज कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल माई परफेक्ट सॉल्यूशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। चलिए हम लोग सीखते हैं कि फ़ोटो को कैसे रिसाइज या डायमेंशन चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो ले लेंगे। देखिए इसका जो साइज़ है वो है 1024x768 और जो इसका जो MB साइज़ है वो है 606 KB। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम लोग आज सीखेंगे चेंज करना। सबसे पहले हम एक इसका फोटो बना लेते हैं और ये बना लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, जिस फोटो को हम का हम लोग डायमेंशन और साइज चेंज करना चाहते हैं उसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट का ऑप्शन होता है, ठीक है, उस पर जाकर क्लिक कर लेंगे तो ये जो पिक्चर होगा वो फोटो में पेंट में खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि होम में रिसाइज का ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो उस पर रिसाइज हम लोग क्लिक कर लेंगे। खुलते ही यहाँ एक विंडो खुल जाएगा जिसमें रिसाइज का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर दो साइज होंगे, एक परसेंटेज साइज और एक पिक्सल साइज। तो अगर आप चाहे परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और पिक्सल में चाहे तो पिक्सल में चेंज कर सकते हैं। तो हमें अभी आपको सिखाना है डायमेंशन चेंज करना। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको पिक्सल से क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जितना आपको डायमेंशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे 24 दिया हुआ है तो हम इसे 1920x1920 कर लेते हैं, तो ये जो वर्टिकल साइज होगा वो अपने यहाँ पे ही खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और इसका साइज जो हो गया रिसाइज हो गया है और इसे हम लोग फिर सेव कर लेंगे। ये हो गया सेव। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं साइज कितना बढ़ गया है। जो पहले वाला साइज था वो था 1024x768 और जो अगला नेक्स्ट हम लोग बनाया एडिट किया है उसका साइज है 1920x1440 जो कि हम लोग चाहते थे। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो साइज है वो कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं साइज भी अच्छे से इंक्रीज हो जाए तो इसके लिए पहले एक और फोटो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये हम लोग जाएंगे एडिट में। एडिट में जाएंगे फिर रिसाइज में जाएंगे। लेकिन इस बार दोस्तों हम लोग को पिक्सल पे क्लिक नहीं करना है, इस बार हम लोग को परसेंटेज पे ही क्लिक करना है क्योंकि परसेंटेज पे जो होता है वो साइज जल्दी अच्छे से चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग पहले से 100 चूज किया, वो डिफॉल्ट सेटिंग होता है ये, तो इसे हम लोग चेंज कर देते हैं। इससे 100 है तो सर हम लोग इसे कर देते हैं 300। ठीक है दोस्तों, अब इस पर ओके पर क्लिक कर देते हैं तो ये फिर से इसका रिसाइज हो गया और इसे सेव कर देते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसका रिसाइज बदला कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसका अब साइज हो गया 1.09 MB जो कि कुछ देर पहले था 547 KB। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप जब चाहे डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप साइज चेंज करेंगे डायमेंशन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, तो अगर डायमेंशन चेंज करेंगे तो साइज भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारा ये जो चैनल है माई परफेक्ट सॉल्यूशन, इस पर जितने भी वीडियो हैं आप चाहे तो दे सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।